हाँ जी, तो मनी के बाद मनी एंड बैंकिंग में आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैंकिंग। तो बैंकिंग में सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आएगा कि सर बैंकिंग किसे कहते हैं, क्या है बैंकिंग? तो बैंकिंग एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशंस तो बहुत होते हैं, संस्थाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जो बैंकिंग है इसका काम है फाइनेंस के अंदर काम करना। तो बैंकिंग क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये क्या करता है बैंक? आपके खैर आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर रहा है बैंकों के साथ में। बैंक में अगर आप पैसे डिपॉजिट करने के लिए जाएंगे तो बैंक कभी ये नहीं कहेगा कि हम आपका पैसा जमा नहीं करेंगे। अगर जो भी बैंक का जो एक टाइम है उस टाइम के अंदर अगर आप जाते हैं और अपने पैसे को आप डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक को आपके पैसे को डिपॉजिट आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बैंक को अपने पास में आपके पैसे को रखना पड़ेगा, आपका अकाउंट बशर्ते उसमें ओपन होना चाहिए। तो बैंक का ही काम देखा है आपने। तो बैंक क्या करता है? वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? वो डिपॉजिट आपका है, वो बैंक का पैसा नहीं है। मेरी बात समझे? क्योंकि अगर आप देखते हैं बैंक में, आपने एक चीज देखा है, आपने अकाउंट्स के, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं आप, तो कॉमर्स के स्टूडेंट आप रहे हैं तो आपने ये चीज समझा होगा कि जब भी कैश आता है, ठीक है ना, जब भी कैश वर्ड्स कम इन, ठीक है ना, वर्ड्स गोज आउट क्रेडिट, वर्ड्स कम इन डेबिट, ऐसा रहता है ना, जो आता है डेबिट, जो आता है क्रेडिट। तो हमारे मन में सवाल आता है कि मैंने अगर बैंक में पैसा जमा करवाया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट होना चाहिए ना, लेकिन क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। जबकि हमारे पास में, हमने अकाउंट्स का पहला नियम ही पढ़ा है कि अगर हमारे पास में जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। लेकिन बैंकों में जब पैसा हम जमा करते हैं अपना, बैंकों में जब अपना डिपॉजिट रखते हैं तो बैंकों में क्या होता है? क्रेडिट लिखा होता है। ये बात समझ में नहीं आती है यार। भाई मैंने पैसा आज अपना 1 लाख रुपए जमा करवाया तो 1 लाख रुपए तो मेरा है ना, तो मुझे डेबिट तो होना चाहिए, लेकिन ये बैंक क्यों क्रेडिट बोलता है इसको? पैसा तो आपका ही है ना, जा चला थोड़ी क्या, बैंक थोड़ी बोले आप कल से मत आना अपने पैसे लेने, पैसे तो आपका ही है ना। यहां पर क्या होता है बेसिकली कि वो बैंक जो पासबुक होता है ना, वो पासबुक होता है आपका बैंक का, वो पासबुक आपका नहीं होता है, पैसे आपके हैं। तो बैंक के लिए वो क्या हो गया? लोन हो गया, क्योंकि आपने बैंक को पैसे दिए हैं तो बैंक के ऊपर क्या हो गया? कर्जा हो गया, लोन हो गया। और लोन जो होता है, जो कर्जा होता है, जो क्रेडिट होता है, उसको क्रेडिट में दिखाते हैं। क्रेडिट अगर बढ़ता है, लोन बढ़ता है, तो कहाँ दिखाते हैं उसको? हम क्रेडिट में। तो इसलिए जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो क्रेडिट का मैसेज आता है कि वो बैंक वाले, क्योंकि वो पासबुक बैंक का होता है। हमारा क्या होता है? हमारा होता है कैश बुक होता है। तो कैश बुक में हम डेबिट में एंट्री करते हैं, अगर आपको पता होगा तो। खैर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, बस सिंपल सी बात ये है, चर्चा चली थी तो मैंने इस बात को बताया कि क्यों हमारा पैसा जब डिपॉजिट होने के बाद क्रेडिट होता है, क्योंकि वो पासबुक बैंक का है, वो बैंक अपने लिए एंट्री कर रहा है और बैंक के लिए वो क्रेडिट है, बैंक के लिए वो उधार है जो पैसा हम जमा करवाते हैं। तो इसका मतलब ये कि बैंक हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, वो डिपॉजिट उसका नहीं हो जाता है, बस हमारे डिपॉजिट, डिपॉजिट हमारा ही है, वो एक्सेप्ट करता है। और बैंक का एक और काम है, जैसे पोस्ट ऑफिस, अगर आप देखेंगे डाक खाने, आप सभी घर के अपने आसपास होंगे तो डाक खाने में भी पैसा जमा हो जाता है, लेकिन कभी भी किसी ने डाक खाने को बैंक नहीं कहा, उसके पीछे भी एक कारण है। पोस्ट ऑफिस को कभी बैंक नहीं कहा, हालांकि पोस्ट ऑफिस में पैसे FD करवा लो, RD करवा लो, आप PPF करवा लो, जैसे मर्जी सेविंग कर लो, जो नॉर्मली बैंक में होता है वो उस प्रकार की सेविंग आपकी पोस्ट ऑफिस में भी हो जाती है, लेकिन कभी पोस्ट ऑफिस को बैंक इसलिए नहीं कहते क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस लोन नहीं देता है किसी को। जो पोस्ट ऑफिस से पैसा जमा होता है उसको गवर्नमेंट एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लेती है सरकार, चाहे वो स्टॉक शेयर मार्केट के अंदर उसका यूज कर ले, चाहे वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज कर ले, या कोई अदर इन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट यूज कर ले, गवर्नमेंट उस पैसे को, या रेलवे के अंदर यूज कर ले, उस पैसे को गवर्नमेंट क्या करती है? इन्वेस्ट कर देती है। जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं या स्टॉक एक्सचेंज होता है, उससे जो प्रॉफिट कमाती है वहां से इंटरेस्ट हमें देती है। हालांकि गवर्नमेंट को नुकसान भी हो जाता है, वो गवर्नमेंट का है, हमें उसके प्रॉफिट नुकसान से कोई लेना देना नहीं, जो हमारा डिसाइड है उस पर इंटरेस्ट आना है, वो इंटरेस्ट हमें मिलेगा मिलेगा, चाहे उसको गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा हो, चाहे वो फायदा कमा रहा हो, गवर्नमेंट की हेडेक है, हमारी कोई हेडेक नहीं है। हमने पैसा इन्वेस्ट नहीं करा है, हमने पैसा डिपॉजिट करा है पोस्ट ऑफिस में। मेरी बात समझे? तो लेकिन पोस्ट ऑफिस कभी भी किसी पब्लिक को लोन नहीं देती है, उधार नहीं देती है, वो नहीं, अगर डिपॉजिट करवाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं देगी? तो क्यों करवाएंगे डिपॉजिट? हम पैसे जमा करवाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट देती है।
देती है, तो क्यों हम करवाएंगे फिर पोस्ट ऑफिस से पैसे जमा अगर इंटरेस्ट नहीं देगी तो? है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, तो फिर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही है, हम बैंक में जमा कर देते हैं ना, कुछ पैसा मिलेगा तो पोस्ट ऑफिस से क्यों करेंगे? पोस्ट ऑफिस भी इंटरेस्ट देती है भैया, बैंक से अच्छा इंटरेस्ट देती है, मतलब बैंक से ज्यादा मिल जाएगा, बैंक से कम इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पोस्ट ऑफिस में, ध्यान रखना, क्लियर है? इसलिए ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। मेट्रो शहर में बैंकिंग सिस्टम चलता है, बट जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जनरली आपका पोस्ट ऑफिस वो ज्यादा रहता है। हाँ बोलो। तो पोस्ट ऑफिस में कभी भी पोस्ट ऑफिस आप कंफ्यूज मत होइए बोलने में, पोस्ट ऑफिस एक अलग चीज है एंड बैंक एक अलग चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कंफ्यूजन होने की चीज जरूरत नहीं है, मैं बात पोस्ट ऑफिस से कर रहा हूँ, पहले आप ये सुन लीजिए। पोस्ट ऑफिस पैसे आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लेगी, बट पोस्ट ऑफिस आपको लोन नहीं देगी, और बैंक जो होता है वो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करता है और पब्लिक को टर्म्स एंड कंडीशन जो भी फुलफिल होने के बाद उसको लोन भी देता है। इसलिए बैंकिंग एक अलग स्ट्रक्चर हो गया और पोस्ट ऑफिस एक अलग स्ट्रक्चर हो गया। मैं आपको पोस्ट ऑफिस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? बैंकिंग। तो बैंकिंग के क्या काम हो गए? बेसिकली डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन देना, दो काम है, क्लियर है ना? बैंकिंग के बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। अब सवाल बैंकिंग की बात करेंगे तो बैंक बेसिकली दो तरीके के टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, हम कमर्शियल बैंक पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक में एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या? क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, ठीक है ना, साख सर्जन जिसे कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक में से। और सेंट्रल बैंक से जो टॉपिक आपके पास में आएगा, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है? ये दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, जरूर इन दोनों में से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए पहले बात करते हैं हम कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल नाम ही क्लियर है, कमर्शियल का मतलब यही होता है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब सवाल ये है कि कौन सा बैंक कमर्शियल है? वो सभी बैंक जो आप अपने आसपास देखते हैं जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वो सारे के सारे बैंक, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो आपका SBS, चाहे आपके वो यस बैंक हो, कोई सा भी बैंक जो अपने, चाहे वो सिटी बैंक हो, कोई भी बैंक जो अपने आप घर के आसपास या दूर दराज में, कोई भी ऐसा बैंक जिसमें आप अपना खाता खुलवा सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, कोई भी बैंक जिसमें आपका खाता खुल सकता है, आम जनता का खाता खुल सकता है, वो बैंक एक कमर्शियल बैंक होता है, क्लियर है? जिसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अब सवाल यह है कि बैंक प्रॉफिट कैसे अर्न करती है? क्योंकि क्योंकि हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पैसों की रखवाली भी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, पैसे को मैनेज भी करते हैं, हिसाब किताब भी रखते हैं, सारा एंट्री डेटा सब कुछ वो खर्चा करते हैं हमारे पैसों का, और उसके बाद हमसे कुछ लेती भी नहीं है, बदले में हमें उस पर इंटरेस्ट भी दे देती है। तो बैंक को क्या फायदा है इससे? बैंक को इससे फायदा ये है, मान लीजिए बच्चे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास में कोई एक व्यक्ति आया, मुझे कहता है कि 1 लाख रुपए सर उधार दे दो, मैं कहता हूँ 15% ब्याज लूंगा। अब मेरे पास में पैसे नहीं है, ध्यान रखना, वो मुझसे पैसे मांगने आ गया उधार, मैंने कहा कि मैं आपको 15% दे तो दूंगा, हालांकि है नहीं मेरे पास में पैसा, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा मैं दे तो दूंगा लेकिन मैं 15% ब्याज लूंगा, 1 लाख रुपए पर साल के मैं 15,000 रुपए आपसे ब्याज ले लूंगा। वो एग्री हो गया, सर दे दो 1 लाख रुपए, मैं 15,000 आपको ब्याज देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पैसे तो है नहीं। फिर मैं पब्लिक के पास में गया, भाई हमारे पास में पैसे डिपॉजिट करवाओ। तो पब्लिक ने क्या करा, मेरे मैं बदले में आपको मैं 5,000 रुपये ब्याज दूंगा, 5% ब्याज दूंगा। तो पब्लिक को लगा ठीक है, घर में रखने से अच्छा पैसा यहाँ रख दो, यहाँ ब्याज मिलेगा। अब आपने पैसा मेरे पास में रखा, मैं आपको 5,000 रुपये इंटरेस्ट दूंगा, आपका ही पैसा 1 लाख रुपये उठा करके मैंने इसको दे दिया। पहले पहले समझिएगा, मुझे मालूम है बच्चे आप बोलोगे अगर हम पैसे उधार मांगने, अपना पैसा निकालने आगे फिर क्या करोगे, सवाल है, अभी उस पर बाद में जाएंगे, फिलहाल आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा। पब्लिक ने 1 लाख रुपये बैंक में रखा, 5,000 रुपये आपको ब्याज दूंगा, मैंने 1 लाख उठाकर उसको दे दिया, वो मुझे 15,000 रुपये ब्याज देगा, 10,000 बीच का बच गया, क्लियर है? 10,000 रुपये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और ऐसा हर बैंक करती है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और लोन देती है। आप देख लीजिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में लोगों को क्या इंटरेस्ट देती है और लोन देते टाइम पे क्या इंटरेस्ट लेती है, फर्क है ना? तो उसका मतलब जो फर्क है उसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, चाहे वो SBI हो चाहे वो कोई सा ही बैंक हो। तो बैंक बेसिकली उसका मोटिव क्या है, ऐसा कोई भी बैंक जिसका मोटिव क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना, उस बैंक को हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, क्लियर है जी? मेरी बात समझे? तो आइए मेरा सबसे पहला सवाल,
सुंदर सवाल, आप लोगों की तरह जितने प्यारे आप हो उतना ही प्यारा एक सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्लियर है? तो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग द इन्वेस्टमेंट विद द एम्स ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। बैंक भैया इन्वेस्टमेंट भी तो करती है भाई। मेरे भाई साहब मान लीजिए मेरे पास में 1 लाख रुपए आया, 50,000 ही किसी ने लोन लिया, लेकिन मुझे तो भैया पूरे 1 लाख का ब्याज आगे पब्लिक को देना है। 50,000 का मैं क्या करूंगा? रखा रखा मैं अपने पास रख के क्या करूंगा? पब्लिक को तो मुझे इस पर ब्याज देना पड़ेगा। जो पैसा लोन चला गया चला गया, जो नहीं गया उठा करके मैंने शेयर मार्केट में या कहीं पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया जहां से मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, जायज सवाल है क्या कि सर वो तो उसकी हेडेक है। सवाल है सर, ए चलो पब्लिक ने 1 लाख रुपए बैंक, मैंने जैसे क्या पब्लिक है, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, आपने मेरे 1 लाख रुपए किसी और को दिया, ठीक है ये बात सब समझ में आ गई। 15,000 रुपए वो ब्याज देगा, 5,000 मुझे देगा, 10,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है समझ में आ गया। वो 1 लाख रुपए आपको लौटाएगा, आप मुझे मेरे 1 लाख लौटा दोगे, ये भी बात खत्म होगी, आपने 10,000 कमा के निकल गए, ये बात समझ में आ गई। लेकिन सर एक बात बताओ, मेरा पैसा है मैं तो जब मर्जी लेने निकालने आ जाऊंगा, आप जब मर्जी एटीएम घुसा करके निकाल लो, बात समझ समझे, आप कभी भी आ जाओगे, सर पैसा दो मेरा, आज जमा करवाए 2 घंटे बाद आ गए, मेरा पैसा दो। मैं कहूंगा यार आपका पैसा तो मैंने लोन पे चढ़ा दिया, पैसे है ही नहीं। कभी किसी बैंक ने किसी पब्लिक को बोला पैसा नहीं है भैया? समझे? हाँ, क्योंकि लोग ही इतने सारे पैसे जमा करवाते हैं, 100 लोगों ने जमा करवाया तो 20 लोगों ने पैसे निकाले, तो बाकी 80 लोगों के पैसे तो बचे हुए ना, उसमें से लोन दे दिया और लोन वोन चढ़ा दिया। बात समझे समझे? ऐसा थोड़े गिनती का एक ही इंसान इस दुनिया में और इस दुनिया में एक ही बैंक, ऐसा थोड़ी होता है। बात समझे नहीं समझे? क्लियर है? और बैंकों के पास पे बैंकों का अपना एक एक्सपीरियंस है, क्या कि बैंकों को ऐसा लगता है कि लगभग लगभग ऐसा एक्सपीरियंस है बैंकों का कि जितना डिपॉजिट होता है ना एक दिन में, अगर 1 लाख रुपए का डिपॉजिट हुआ तो कम से कम इसमें से 20,000 रुपए विड्रॉ हो जाता है। तो बैंकों के साथ में कुछ ऐसा अभी तक का अनुभव रहा है कि जितना डिपॉजिट होता है उसका 20% निकलता भी है। तो इसलिए आरबीआई क्या है बाद में बात करूंगा, इसलिए बैंक अपने पास में 20% रिजर्व रखता है, कैश रखता है। बात समझे? ताकि कोई भी पैसा निकालने आए तो उसको पैसा वापस दे। अगर भैया पैसा अगर आप लोगे टाइम पे वापस नहीं करोगे तो लोग क्यों डिपॉजिट करवाएंगे, जब उसको उसके टाइम वक्त पूरे वक्त पैसे मिलेंगे नहीं तो अपने घर ही रखेगा ना पैसा, बैंकिंग सिस्टम तो फेल हो जाएगा ना ऐसे। तो समझे? चल एक बार हुआ था ऐसा, एक कहानी बताऊंगा मैं आपको। सेंट्रल बैंक में एक बैंक था, ICICI बैंक था, नहीं है अभी भी। तो उस बैंक के साथ में क्या होता, उसके जितने भी कस्टमर थे ना सारे एक दिन पैसे निकालने पहुंच गए, असली में सारे कस्टमर पूरे इंडिया में। कमर्शियल बैंक था, पूरी पब्लिक, पूरी जनता जिसका भी अकाउंट था, वो भी अपने सारे के सारे पैसा निकालने के लिए, उसके जितने भी कस्टमर थे सारे एक ही दिन पहुंच गए थे। हर बैंकों के पास में ऐसे ऐसे बैंक के बल लंबी लाइन लगी हुई थी, पूरे भारत में लगी हुई थी। अब भैया बताओ, पैसे लोगों ने जमा तो करवाए हैं, ये बात तो ठीक है, इनके सारे पैसे उनके गले में रखे रहते हैं। भाई आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, आप इस बात को समझ, सब तो लोन वोन वो इन्वेस्टमेंट वगैरह चला गया, अब पैसे वापस कहाँ से करेगी? अब ये बात हम बाद में करेंगे, है ना, जब टॉपिक आएगा तो इस टॉपिक को छेड़ूंगा। पढ़ा इतनी सी कहानी सुनाई है और मैं आपको सेंट्रल बैंक में इसके मैं पूरी कहानी बताऊंगा, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ था, सारे लोग पैसे लेने पहुंच गए थे और इस सिचुएशन से वो कैसे निकला बाहर, इसकी कहानी बाद में चलेगी। फिलहाल अभी आज कहानी चलाएंगे हम अपने कमर्शियल बैंक की। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, उसका फंक्शन, उसका कार्य है क्या कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, क्लियर है, और वो लोन देता है, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट भी करता है। क्या किसी भी, हाँ किसी में भी वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं, कमर्शियल बैंक भी रखती है। चलिए आगे बढ़े, अब सबके अथॉरिटी है, सिर्फ सेंट्रल बैंक की नहीं है। चलिए फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, ठीक है जी। तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में क्या फंक्शन है, कमर्शियल बैंक के कार्य की बात करते हैं। मोटा मोटा पढ़ लेना है इसको, तो बस एक गो थ्रू हो जाना है थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए, ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है, ठीक है जी। मनी क्रिएशन इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आएगा तो मतलब आएगा ही आएगा। हाँ जी, तो दो फंक्शन है भैया कमर्शियल बैंक के, कौन कौन से, प्राइमरी और आपका सेकेंडरी फंक्शन। सवाल ये कि भैया प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था ना पहले भी आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा प्राइमरी फंक्शन ये है, मेरी प्राथमिकता ये है कि आपका सिलेबस अच्छे से कवर किया जाए,
मैं बैच में आपके सिलेबस के ऊपर काम करूं, है ना, मेरा सेकेंडरी फंक्शन ये हो गया। लेकिन मेरा दूसरा काम भी है, वो ये है कि मैं आपको थोड़ी सी मॉरलिटी के बारे में भी बताऊं, मैं थोड़ी सी आपको इंसानियत के बारे में बताऊं कि ह्यूमैनिटीज बताऊं कि क्या होता है, हमें क्यों इस तरीके से रहना चाहिए, हमें क्यों नहीं लालच करना चाहिए, हमें क्यों नहीं किसी को हर्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें मुझे बताना, ये भी मेरे टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, बट वो मेरा सेकेंडरी फंक्शन है। क्लियर है ना? मैं पूरे टाइम बैच में आकर के रोज आकर के अगर मैं आपको ह्यूमैनिटीज सिखाऊंगा तो उस पर बात तो भैया आपको, मेरा जो मेन काम है जिसके लिए आप मुझसे जुड़े वो काम तो रह जाएगा ना, तो मेरा मेन काम है आपको सिलेबस कवर करवाना, है ना। ऐसे ही कमर्शियल बैंक के भी दो काम है, प्राइमरी फंक्शन जो जिसके लिए बना था, उसके बाद इसने और भी काम धाम झाम इसने स्टार्ट कर दिया, सेकेंडरी फंक्शन हो गया। ठीक है जी, तो आइए प्राइमरी फंक्शन की मैं बात करता हूँ भैया। ये बैंक बना इसलिए था ताकि लोग अपने पैसे यहाँ पर जमा कर पाए। ठीक है भैया, जब शुरू शुरुआत हुई तो लोग अपने पैसे जमा क्यों करवाए, कि लोग घबराए, तो भाई साहब हम पैसे जमा क्यों करवाएं, हमारा पैसा है आपके पास जमा करवाएंगे, क्या भरोसा। लेकिन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना इसका पहला काम है, और दूसरा काम इसका फंक्शन क्या है, एडवांसिंग ऑफ लोन। आइए पहले इसके प्राइमरी फंक्शन को पढ़ लेते हैं फिर सेकेंडरी फंक्शन में जाएंगे। हाँ जी भाई, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की बात कर लेते हैं पहले। प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन था, एक तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, एक लोगों को लोन देता है, दोनों ही काम बड़े मेन काम इसके लिए आया। अब लोन नहीं देगा तो भैया एक्सेप्ट करके करेगा क्या पैसे को, बताओ, दोनों ही काम है ना इसका। और मेनली इकोनॉमी इकोनॉमी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही बैंकिंग स्ट्रक्चर आया है, अगर बैंकिंग स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा तो इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। अब एक बार बताइए, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनके पास में सफिशेंट बजट नहीं होता है, जितने बिजनेस होते हैं, कि वो अपने घर से अपने तिजोरी से इतना पैसा निकाल दे कि वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर ले, होता है नहीं होता है, उनको किसकी जरूरत होती है, लोन की। लोन कौन देता है, बैंक। अगर बैंक लोन ना दे तो क्या बिजनेस स्टैब्लिश होगा, बिजनेस स्टैब्लिश नहीं होगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि लोग खाली घर बैठे हुए कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज कम होंगे, गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस नहीं होगा, होगा प्रोडक्शन नहीं होगा, तो मतलब इस लोग ना तो हमारे देश में गुड्स है ना सर्विसेज है ना जॉब्स है, तो हम किस कितने लिमिटेड चीजों के अंदर हम रह जाएंगे, तो इकोनॉमी काफी बैकवर्ड चली जाएगी ना। वो तो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, मेरा मन है कि भैया मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ तो मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा, और जब मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा तो उस लोन से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लोगों को काम पे रखूंगा, लोग कुछ काम करेंगे, कुछ गुड सर्विसेज बनेंगी, वो इकोनॉमी में जाएंगी, प्राइस उसके डाउन होंगे, क्लियर है, लोगों की लाइफ लग्जूरियस की तरफ बढ़ जाएगी, लोगों के पास में तनख्वाह भी आएगी। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके दो काम है, सिर्फ कैश को डिपॉजिट करना नहीं, मेन काम तो उसको मैं कहता हूँ उसको लोन देना है, जिससे कि इकोनॉमी एक्टिविटी होती है। बात समझे, समझे। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन, दो है। तो मैं पहले आपको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के बारे में पहले आपके सामने अपनी बात रखना चाहूंगा। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ गए। चलिए बात करते हैं, हम एक होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट, एक होता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चे, एक सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग डिपॉजिट क्या होते हैं, आप लोगों का अकाउंट जो खुला हुआ है, जो आप जाते हैं बैंक में पैसा रखते हैं, जब मर्जी एटीएम से इसको निकाल लेते हैं, आप जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं, वो बात करता हूं मैं, उसके बारे में बात करूंगा, पहले इसको देख लीजिएगा सेविंग डिपॉजिट की। तो सेविंग डिपॉजिट आपने बैंक में पैसा रखा, बैंक इसके बदले में आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देगा, और इस पैसे को आप जब मर्जी चेक के थ्रू या कैसे भी आप इस पैसे को जब मर्जी निकाल सकते हो, खर्च कर सकते हो, इसे क्या बोलते हैं, सेविंग डिपॉजिट। दिस डिपॉजिट कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, द डिपॉजिटर आर गिवन द चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट, बट द सम रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल इन ऑर्डर टू डिस्करेज द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ द सेविंग डिपॉजिट। हाँ, वो बात अब आज के टाइम पे है कि 2 से 3 बार अगर आप जो है पैसा निकाल सकते हो एटीएम से, उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 28 रुपए कुछ समथिंग, है ना, मल्टीपल्स टाइम्स, आप ये नहीं कि रोज गए और निकाला रोज गए, बैंक वाले को परेशान कर रहे हो, तो कुछ लिमिटेशन लगा दी गई है, ये नहीं पैसा निकले निकलेगा बट कुछ चार्जेस देने पड़ जाएंगे आपको ट्रांजेक्शन पे। तो ये हो गया सेविंग डिपॉजिट। अब एक फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, आपको पता है, इसको टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं या टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, जिस पैसे को आप, ये तो कभी भी आज रखा कल निकाल लो, बट एक पैसा वो जिसको आपने एक कमिटमेंट के साथ में रखा कि भैया इतने समय के बाद ही हम निकालेंगे,
कमिटमेंट है, लाइक मैम 3 महीने बाद निकालेंगे इस पैसे को, उससे पहले नहीं निकालेंगे। तो ये पैसा आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, टाइम डिपॉजिट हो जाता है। आपने कहा 6 महीने के लिए हम रखेंगे, आपने कहा हम 1 साल के रखेंगे। इससे मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अपना फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं, मैं फिर से मेरी बात समझिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप फिक्स डिपॉजिट अगर आप करने जाते हैं तो बैंक में इंटरेस्ट रेट का आप स्लैब जरूर देखें। मान लीजिए कि आप 1 साल के लिए एफडी करने गए और 1 साल के लिए आपके पास में है, आपको 1 साल के लिए 6% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और 1 साल के ऊपर पे आपको फिर वहां पर इंटरेस्ट 6.5% मिल रहा है, तो आप 1 साल 1 दिन के लिए एफडी कर दो, क्योंकि फिर आपको 6% की जगह कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये फैक्ट है, बात समझे, लोग अवेयर नहीं है, लोग 1 साल का करके आ गए, लेकिन पॉइंट अगर मैं आप मेरी बात समझिएगा, अगर मेरा 1 लाख रुपए भी है तो मुझे तो फर्क पड़ गया ना, सिर्फ 500 रुपए का, तो 1 दिन की वजह से, बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी, सिर्फ 1 लाख रुपये इतना फर्क पड़ गया, बात समझ रहे हैं। तो कभी भी एफडी कर रहे हो तो इतने टाइम के लिए एफडी कर रहे हो तो सोचो कि उससे थोड़ा सा अगर आगे अगले दिन चले जा रहे हैं तो फिर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है, 1 दिन और के लिए कर देते हैं, जब इतना रुके रहे, तो बात समझे, एफडी क्या है पता लग रहा है आपको, आप जब बैंक में पैसा रखने जाते हैं कि भैया हम इस टाइम के लिए पैसा आपके पास छोड़ रहे हैं, उस टाइम के बाद ही आपके पास में आएंगे, तो वो उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, एफडी फिक्स डिपॉजिट, बात समझे, क्लियर है। इसमें थोड़ा इस पे अब लोग, इससे क्या फायदा है, अब बोलोगे सर बढ़िया, ये जमर्जी पैसे निकाल लो, इसमें क्या फायदा है, ये इसमें फायदा ये है, बैंकों को ये फायदा है कि भैया लोग पैसा पे निकालेंगे नहीं इस समय तक, बैंकों को उस पैसे को बात समझिएगा। अब बैंकों को फायदा ये है कि भैया आपने फिक्स डिपॉजिट करा तो बैंकों को एक पर्टिकुलर टाइम मिल गया, वहां तक तो पैसा आपका इन्वेस्ट कर सकता है, लोन पे दे सकता है, बैंकों को फायदा ये, पब्लिक को फायदा ये पहुंचाती है बैंक, ताकि पब्लिक इसको जमा कराए, पब्लिक बेसिकली पब्लिक के लिए तो अच्छा हुआ है, इसको जब मर्जी निकाल सके, टाइम डिपॉजिट पे तो एक समय का वेट करना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक को ऐसा करने के लिए बैंक थोड़ा सेविंग अकाउंट पे, सेविंग डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है उससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करती है एफडी पर, तो पब्लिक को लगता है मेरे पैसा सरप्लस पैसा, खासकर ये जो अमीर लोग वर्ग के लोग होते हैं वो करवाते हैं, जो गरीब हैं, जो बेचारे अपने पास में बड़े मुश्किल से अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, उनपे कहाँ इतना पैसा आया जो फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे, और थोड़ा पैसा बचता तो सेविंग में रखते हैं, कुछ जरूरत पड़ जाए तो उसको निकाल लेंगे, तो जिसपे सरप्लस थोड़ा पैसा होता तो वो एफडी कराना पसंद करता है, पैसा पड़ा हुआ है थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, अब बीच में जरूरत पड़गी तो वो अब आपके पास में है कि आप उस एफडी को ब्रेक करवा सकते हो, फिर आपको जो है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, उसके जो सेविंग पे मिलता है वो सेविंग वाला इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आपको एफडी वाला नहीं मिलेगा, बीच में आप उस एफडी को तुड़वा सकते हो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो, समझे या नहीं समझे। अब आपको सेविंग डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट पता लग गया, अब सवाल ये कि आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट्स क्या है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में एक लिमिटेशन रहता है कि भैया इस अमाउंट तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं, हर बैंक की अपनी अलग अलग पॉलिसी है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि भैया किसका कितना रहता है, लेकिन करंट अकाउंट डिपॉजिट में क्या रहता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट एक बिजनेसमैन के लिए होता है, एक बिजनेस का अकाउंट खुलता है, किसी इंडिविजुअल का अकाउंट नहीं खुलता है, ऐसे मेरे कंपनी का नाम शिक्षा धाम है तो शिक्षा धाम का खुलेगा, आनंद कुमार का नहीं खुलेगा, और कंपनी में करोड़ों रुपए आते हैं, उसमें करोड़ों रुपए की एंट्री होती है, करोड़ों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए जाते भी हैं, तो एक बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन के लिए, एक बिजनेस के लिए करंट अकाउंट होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेविंग अकाउंट में बैंक पब्लिक को इंटरेस्ट देती है जिसका पैसा होता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट पे नहीं करती है बल्कि चार्जेस लेती है, जिसका करंट अकाउंट है उसको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे अपने ट्रांजेक्शंस के लिए, तो मेजर डिफरेंस ये है सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में। कहीं आप भी चले जाओ, मुझे भी करंट अकाउंट खुलवाना है तो कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, खुलवा लो है, आप एंट्री कर लेना, ऐसे नहीं बोलते हैं कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सीधा ही आपने पूरे बैंकिंग सेक्टर को क्वेश्चन मार्क कर दिया है, आप पासबुक पे एंट्री कराएंगे तो आपको इंटरेस्ट वहां पे पता लगेगा कि कितना इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है जी, इंटरेस्ट मिलता है, अब रोज रोज नहीं डालेंगे वो, फिर डेली भैया 10,000 5,000 थोड़ी होंगे, उसके लिए पैसे तो होने चाहिए उतने, अगर पैसे कम है तो 2-4 रुपये मिल रहे होंगे आपको, पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, मैं सबसे बड़ी स्कीम मानता हूँ पोस्ट ऑफिस की स्कीम है एफडी की, 10 साल में पैसे डबल, रखो 1 लाख रुपए 10 साल में 2 लाख ले जाओ, 5 लाख रखो 10 साल में 10 लाख रुपए,
एक साल, अच्छा 10 साल में 10 लाख, 10 साल में डबल करता है, आप जितने भी रखो, 1 रुपये रखोगे 2 रुपये कर देगा। हाँ तो लेकिन डबल तो कर रहा है ना, बैंक में 1 साल में क्या बोल रहे हो आप, मतलब ऐसे खाता खुलवा लिया हो, आपको पैसे मिल गए, क्यों वीडियो खराब करवा रहे हो। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो करंट अकाउंट डिपॉजिट आपको पता लगा भैया क्या होता है। ऋतिक कुमार पूछ रहे हैं 10 साल में डबल कैसे। भैया पोस्ट ऑफिस में स्कीम है, 10 साल में पैसे आप डबल कर लीजिए, लगभग लगभग 10% आपका हर महीना मिल गया ना। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, हाँ जितना भी पैसा रखेंगे, 1 रुपये रखोगे 2 रुपये हो जाएगा, जितना भी पैसा रखोगे वो डबल हो जाएगा पोस्ट ऑफिस 10 साल में, डबल हो जाएगा। हाँ हाँ जी अब आगे बढ़े, क्लियर है। तो दिस डिपॉजिट रेफर टू दोज डिपॉजिट विच आर द पेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड, द डिपॉजिट आर जनरली मेंटेन बाय द बिजनेसमैन विद द इंटेंशन ऑफ ट्रांजेक्शन विद द सच अ डिपॉजिट। इसमें एक खास बात और है कि सेविंग अकाउंट में अगर आपने 1 लाख रुपए रखा तो 1 लाख रुपए निकाल सकते हो आप, है ना, बट करंट अकाउंट में अगर आपने 1 लाख रखा तो 1 लाख से ज्यादा निकाल सकते हो, वो बैंक के ऊपर डिपेंड है कि बैंक आपको कितनी छूट देता है निकालने के लिए। मान लीजिए आप, मैंने 1 लाख रुपए रखा करंट अकाउंट में, मैंने 1,10,000 रुपए निकाल लिया, 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया, इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज होती है बट सेविंग अकाउंट में नहीं होती है, बात समझे। हाँ डेबिट हो गया बैंक को, क्लियर है जी, समझ गए, ये बात मैंने बता दी है। अब बैंक का फर्स्ट फंक्शन तो खत्म हो गया, बैंक क्या करती है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है सेविंग अकाउंट के थ्रू, फिक्स डिपॉजिट के थ्रू और करंट अकाउंट के थ्रू, इस 3 सोर्सेस से बैंक अपने पास में पैसा पब्लिक का लाती है। अब ये पैसा फिर कहाँ लगाती है, मतलब लोन देती है, कैसे कैसे। एक होता है हमारे पास में कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है कि किसी एसेट्स के बदले में बैंक आपको लोन दे देती है। आप अपना सोना लेके गए, गए कंगन उतारे मंगलसूत्र उतारा भैया, बैंक हमें जरूरत है पैसा दे दो, आप सोना बेच नहीं रहे, आप गोल्ड बेच नहीं रहे हो, आपने गिरवी रखवाया है गोल्ड लोन जिसे आप कहते हैं, आपने बेचा नहीं है बैंक को, बैंक के पास में गिरवी रखा है। बैंक बैंक को विश्वास होगा कि भैया बंदा भागेगा नहीं, 1 लाख रुपए की चीज मेरे पास में रखवा के जा रहा है, और तो बैंक आपको 1 लाख रुपए की चीज रखवा रहे हो तो बैंक आपको 1 लाख रुपए का लोन नहीं देगा, बैंक आपको 60-70 हज़ार रुपये का लोन देगा, मतलब कम ही लोन देगा ताकि अगला पैसा लेकर के भाग ना जाए, अपनी चीज छुड़वाने जरूर आए। तो आप बैंक में 1 लाख रुपए का कोई भी अगर आप एसेट्स रखते हैं तो उससे कुछ कम आपको पैसा उधार दे दिया जाता है, बदले में बैंक आपसे क्या लेगी, ब्याज लेगी, ये बैंक का फायदा हो गया, ठीक है। और बैंक का रिस्क भी कवर हो गया क्योंकि आप भाग नहीं सकते बैंक का पैसा लेकर, क्योंकि बैंक ने आपकी चीज रख ली है। अगर आप ऐसे कोई भी उधार लेते हो कुछ चीज रखवा करके, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट, समझे। एक हमारा होता है डिमांड लोन। डिमांड लोन रेफर दोज द लोन विच कैन बी द रिकॉल्ड ऑन द डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। अब डिमांड लोन होता है कि बैंक आपको लोन दे तो देता है लेकिन बैंक उस लोन को कभी भी आपसे मांग लेगी, एक ऑफर करती है बैंक, आप आपको लोन दे रहे हैं पर मुझे जरूरत पड़ा कल तो मैं कल आपसे पैसे ले लूंगा, अपने पैसे वापस ले लूंगा विड्रॉ जब मर्जी। हाँ सेविंग अकाउंट के जैसे हम कभी भी निकाल लेते हैं ना, तो बैंक भी ऐसा लोन देती है, वो कभी भी अपना पैसा वापस ले सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं डिमांड लोन। और शॉर्ट टर्म लोन जो हम नॉर्मली कार लोन या अदर लोन लेते हैं हम थोड़े समय के लिए, उसको हम ये लोन। तो बैंक इस के थ्रू पैसे अपने क्या करती है, करती है। और बैंक का जो है सेकेंडरी फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट, प्राइमरी फंक्शन कंप्लीट। अब मैं बात करता हूँ बैंक के सेकेंडरी फंक्शन के ऊपर। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या है बैंक का, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देती है, बैंक इसलिए देती है कि भैया लोगों के पास में अगर जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए इसका मेरे पास में बैंक में डिपॉजिट है, अगर मैं 1,25,000 रुपए का इसको छूट दे दूं निकालने का, तो 1 लाख तो निकाल लेगा ये आदमी, ये खर्च करता ही है, 25,000 रुपए इसके पास और है तो इसके अंदर जरूर मन करेगा कभी कुछ ले लूं, कुछ ले लूं, मोबाइल ले लूं, ये ले लूं, कहीं गिफ्ट कर दूं, कहीं टूर पे ट्रिप पे चला जाऊं, पैसा भी है बैंक कब निकाल सकता है, तो वो पैसा क्या करेगा निकाल लेगा। अब निकाल लेगा तो इस तरीके से उसने बैंक से क्या ले लिया, कर्जा, 25,000 रुपए से एक्स्ट्रा निकाला, है ना। हाँ तो अब बैंक क्या करेगा, अब बैंक आपको जो है उसकी किस्त बांध देगा, उस पर ब्याज लेगा और फिर बैंक आपसे अपने पैसा वापस लेगा,
अगर आप उसका वो ओवरड्राफ्ट वापस नहीं करते हो तो। क्लियर है ना, वो बैंक को लोन देना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक लोन चला गया। तो बैंक का ये क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज बैंक देने लग गया। ओवरड्राफ्ट पता लगा ना क्या होता है, लिमिट से ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा निकालोगे वो ओवरड्राफ्ट, वो करंट अकाउंट फैसिलिटीज या अदर अदर बैंक में होता है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता अपने अकाउंट्स में पड़ा है कि जरूरी नहीं कि हमेशा करेंसी चलता है, इकोनॉमी में चेक भी चलता है भैया, आप मुझे फीस चेक से दे सकते हो। और चेक क्या सब्स्टिट्यूट हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं काट करके, बैंक में जाकर के उसको हम कैश में, जैसे चेक होता है वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, बैंक में जाओ दो और वो कैश में कन्वर्ट कर देगा। ये सारे काम बैंकिंग के हैं। अब बैंक का तीसरा काम है एजेंसी फंक्शन, एक एजेंट, एजेंट पता है कौन होता है? अब मैंने कहा कि आप एक काम करो, मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स को, आप एक काम करो कल आप आओगे तो मेरा एक काम करना कि वहां से एक बुक होगी वो बुक लेते हुए आना, या फिर इसके आप नोट्स बना करके मुझे देना, मैंने आपसे कहा, तो आप मेरे एजेंट नहीं हो, क्योंकि आप जो मेरे लिए काम कर रहे हो वो एक भावनाओं से कर रहे हो, उसके लिए मैं कोई पैसे नहीं ले रहे हो। हाँ, अगर मैं आपसे कहूंगी आपको ये काम करना है बदले में आपको मैं पैसे दूंगा, आपको टेस्ट लेना है बदले में आपको पैसे दूंगा, तो आप मेरे एजेंट हो गए, समझ गए? तो बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है। कैसे? मान लो कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगा, मुझे शेयर्स खरीदने हैं। आप शेयर सब्जी मंडी में थोड़ी मिल रहे होंगे जाकर के, मैं बोलूंगा पैसे लेकर कहाँ है शेयर, कहाँ है टाटा स्टील, ऐसे थोड़े मिलेंगे शेयर। स्टॉक एक्सचेंज में अगर मुझे शेयर खरीदना है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, वो पेमेंट किसके थ्रू जाएगा? बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू तो जाएगा वो पैसा, अगर शेयर्स मैंने बेचे तो वो पैसा आएगा कहां से? बैंक के थ्रू। तो एक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक अलग सेपरेट अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट का नाम होता है डीमेट अकाउंट, और उस डीमेट अकाउंट, और उस डीमेट अकाउंट को हम अपने सेविंग अकाउंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब अगर हम कोई शेयर खरीद रहे हैं तो हमारे बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा, जैसे फोन पे पेटीएम करते हो वैसे वाली बात है। अगर आप शेयर बेचोगे आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। अगर आपको बिजली का बिल पे करना है तो आप बैंक को बोल दो कि भैया बिजली का बिल मेरा हर महीने इस तारीख को आता है, जो भी बिल आया करेगा आप उसको मेरे अकाउंट से पे कर दिया करना, हम भूल जाते हैं या फिर पे करने की टेंशन हम नहीं लेना चाहते, वो बैंक आपके व्यापार बिजली का बिल पे कर देगा, बदले में कुछ आपसे चार्जेस लेगा। हाँ, एजेंट का काम करता है लोगों का। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? तो बैंक सिर्फ आप डिपॉजिट और लोन देने का काम नहीं कर रहा है, एज अ एजेंसी का भी फंक्शन है इसका, एक एजेंसी काम कर रहा है। अब तो बैंक ये भी करने लग गया है कि जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस वगैरह भी बेचने लग गए हैं, जाओगे ना बैंक में और वो कहेंगे भी ये इंश्योरेंस ले लीजिए, ये इंश्योरेंस करवा लो करवा लो, तो बैंक एक तरीके से एक एजेंसी की तरह भी काम करने लग गया है, क्योंकि भैया वही स्टाफ है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, दो चार काम और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, दो चार पैसे और कमाए जा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा काम भी हो गए बैंकों के। तो जैसे कि हाँ, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, लोगों के फंड्स को ट्रांसफर करता है बदले में पैसे चार्ज करता है, डीडी वगैरह जमा करवाते हो ना, डीडी भाई किसी के नाम पे पैसे जमा करना होता है, कॉलेज में एडमिशन लेते हो डीडी वगैरह जमा करते हो, तो वहां पर एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है बैंक, yes, लेता है ना, तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ फंड एजेंसी काम कर रहा है ना ये। बैंक का काम तो बेसिकली पैसा जमा करना, लोन देना है, कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स। क्लियर है? तो पेमेंट्स वगैरह आप डेट डाल दोगे बट बदले में कोई चार्जेस लेगा, तो ये क्या एजेंसी के तौर पर काम करता है। अब मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है मनी क्रिएशन, भैया इसको बड़े पेशेंस के साथ में तसल्ली से पढ़ाना चाहूंगा, इसको मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं पढ़ाऊंगा। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक थोड़ा सा हो गया, एक रफ आइडिया मिल गया बैंकिंग के बारे में, थोड़ा बैंक बैंक बोल रहा हूं, थोड़ा माहौल बैंक का बन गया, लेकिन हमें आना तो यहां था क्योंकि टॉपिक हमारा यही था, क्या? मनी क्रिएशन, तो और या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो अब इसको हम समझेंगे अगली कक्षा में, ठीक है जी।